आज मैं अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर अपने बिजनेस पार्टनर का ध्यान कुछ ज्यादा नहीं रखा। ये बिजनेस पार्टनरशिप को हमें रिश्ते में बदल देना चाहिए। आई रियली लव यू राजीव, मुझे बचा लो राजीव। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नौटंकी है, क्यों मेरे मुंह पे ये मुखौटा पहना के रखा है? अगर इतना ही प्यार है ना इससे तो अपने मुंह पे चिपका के घूमो। दो टक्के की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई उसे फेंकने की? ज्यादा चिल्लाओ मत। तुम जानती हो कौन है? इसी हाथ से फेंका था ना तुमने? नहीं। I'm really sorry. पागल है? Please. Always mine. तुम सिर्फ मेरी हो. सिर्फ मेरी. अरे चोरी करने है चोर कहीं के? छोड़ो, कौन है? चोर चिल्ला रहा है। चोर? रुक, तू रुक, अभी पुलिस को फोन करता हूं। अरे अभय, तू यहां? अब खड़े खड़े मुंह देखेगा या अपने दोस्त के गले भी लगे? अरे यार तू अरे कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ यार। देखा शीतल, इसे कहते हैं एक आर्मी ऑफिसर की धमाकेदार एंट्री। वैसे आप अगले हफ्ते आने वाले थे ना?
उसमें क्या है ना शीतल, अब मेरा मतलब है भाभी, आप लोगों से बहुत मन किया मिलने का, तो सोचा के सरप्राइज दूं, और वैसे भी सरप्राइज देने का कोई टाइम नहीं होता, राइट? हाँ, ये भी सही है। वैसे सच बताऊं यार, मुझे ना बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं अपने किसी दोस्त से कहता हूँ ना कि मेरा दोस्त आर्मी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर। हाँ, थैंक यू। लेकिन तेरे डिवोर्स के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ यार। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होता, मेरा मतलब है जिसके पास तुम जैसा दोस्त है और शीतल जैसी भाभी है, उसे किस बात का दुख है? और वैसे भी तुम दोनों के सिवाय मेरा इस दुनिया में है कौन? इसलिए तो मैंने जानबूझ के यहाँ ट्रांसफर लिया, सो दैट तुम लोगों के साथ टाइम बिता सकूं। क्या बात है यार, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज इस खुशी के मौके पर हम बैठेंगे, ड्रिंक करेंगे, क्या बोलता है? चलो बैठो। अच्छा एक काम करें, आप दोनों दोस्त बैठ के बातें करें, मैं कुछ बना के लाती हूँ। जी हाँ, ये भी ठीक है। और बता मेरे भाई कैसा है तू? आज तू बोलेगा और मैं सुनूंगा। अच्छा, चल शुरू हो जा। ठीक है, ये भी सही है, बता क्या सुनना है तुझे। मोनिका, तुम यहाँ? हाँ, तो मिस कर रही थी, तो सोचा कि मिली। क्या कर रही हो मोनिका? ये ऑफिस नहीं घर है, शीतल देख लेगी। अरे इतना डरते हो बेबी से? कम ऑन। मोनिका, तुम कब आई? मुझे आए हुए तो जमाना हो गया, फिलहाल एक मीटिंग के लिए जा रही थी, तो सोचा अपने पार्टनर को साथ लेके जाऊं। आई मीन बिजनेस पार्टनर, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस शी विल। गुड मॉर्निंग गाइस। अरे अबे तू, गुड मॉर्निंग, कैसा मेरे भाई? बस फर्स्ट क्लास। सुबह सुबह तुझे इनसे मिलवाता हूँ। ये है मोनिका, मेरी बिजनेस पार्टनर, और मोनिका ये है अभय, मेरा दोस्त, और अभय एक आर्मी ऑफिसर है। ओह हेलो मिस्टर ऑफिसर। हाय। हो गया इंट्रोडक्शन, लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, चले राजीव? अरे हाँ, मीटिंग के लिए जाना है, मैं तो भूल ही गया था। चलो राजीव, आज तुम ऑफिस में जाओ, हमारा प्लान था ना साथ में लंच करने। रही बात मीटिंग की, तो मोनिका अटेंड कर लेगी। भाभी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजीव हम साथ में लंच करेंगे ना। ठीक है मोनिका, एक काम करो, ये मीटिंग तुम हैंडल कर लो, मैं लंच के बाद मिलता हूँ। अरे मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मोनिका? मेरा पैर, बहुत दुख रहा है। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, मैं मोनिका को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। ओके आओ मोनिका, आओ आराम से, धीरे धीरे आराम से। शीतल, राजीव अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर अपने बिजनेस पार्टनर का ध्यान कुछ ज्यादा नहीं रखा। खैर चलो ना, हम लोग कुछ टाइम बनाते हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूं। दैट्स फाइन, थैंक यू। Thank you.
यहाँ क्या कर रहे था? कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं वो कहना आया था कि मेरी कॉफी में शक्कर मत डालना। यही कहना था साहब, या और कुछ बात है? और तो कोई बात है नहीं। वैसे मार्केट गए थे ना तुम? क्या लेकर आए मार्केट से? ये अगर अपना काम ठीक से करते ना तो ये सड़ा हुआ खीरा मार्केट से लेकर नहीं आते। हमारे आर्मी में एक रूल है, जो ठीक से काम नहीं करता वो किसी काम का नहीं। नंदू, तुम अपना काम ठीक से किया करो, जाओ घर की सफाई करो, जाओ। जैसा ये दिखता है वैसा है नहीं, कुछ तो झोल है। आप बैठिए, मैं आपके लिए बिना शक्कर वाली कॉफी बना कर रहा हूँ। ओके। बहुत देर हो रही है, तुम्हारे इस पैर के नाटक की वजह से हम घर से बाहर तो आ गए, लेकिन अब मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। शीतल मेरा वेट कर रही होगी। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मेरे अंदर की तो प्यास बुझा दो। शीतल के इतने सारे मिस कॉल, मुझे तुरंत घर निकलना होगा। अरे इतनी क्या जल्दी है, कल चले जाना। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये बिजनेस पार्टनरशिप को हमें रिश्ते में बदल देना चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम शीतल को छोड़ दो और हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया। अभी मुझे घर जाना होगा, कल मिलता हूँ। गुड नाइट। राजीव, राजीव, नशे में नहीं हूं मैं, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं शीतल को तुमसे अलग करने के लिए। राजीव, शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे आने वाला है, कहीं बाहर घूमने चले, खूब इंजॉय करेंगे। देखो शीतल, तुम तो जानती हो कि आजकल मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है बाबा, नहीं जाएंगे। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि शाम को आएंगे, फिर साथ में बैठेंगे और प्यार भरी बातें करेंगे। नहीं शीतल, आज नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। गुड नाइट। पूरा दिन काम में बिजी रहते हो और रात को भी आपके पास मेरे लिए समय नहीं है।
आप यहाँ पर? यही पास में किसी काम से आया था, आपको देखा तो मिलने आ गया। आप यहाँ क्या कर रही है? मैं ऑटो और टैक्सी देख रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अवेलेबल ही नहीं है। लगता है आपकी परेशानी मुझे आप तक खींच लाई है। मेरा मतलब है आप परेशान थी तो शायद भगवान ने मुझे भेज दिया आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे टेंशन मत लीजिए, मेरे पास गाड़ी है, आराम से चले जाएंगे। वैसे भी यहाँ आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। चलिए एक मिनट, एक मिनट। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? थोड़ी भूख लगी है, कहीं चल के खाना खाए? नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं खाना। आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है तो चले। वेलकम। पता है अगर मैं नहीं आता ना तो आप अभी भी वहाँ खड़ी होती और टैक्सी के लिए वेट कर रही होती, तो थैंक यू तो बनता है नहीं? थैंक यू सो मच। एक मिनट। थैंक यू। आज पहली बार तुम्हारे होठों को छुआ है, बहुत जल्द तो मैं अपना भी बना लूंगा। तुम काम में चाहे जितना भी बिजी रहो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मेरा बर्थडे जरूर याद होगा। मैंने अभी याद किया और अभी आ गए। पता था कि तुम मेरे लिए सरप्राइज जरूर प्लान करोगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि राजीव है। कोई बात नहीं, मैं भी तो आपका अपना ही हूं। लवली फ्लावर्स for a lovely lady. Happy birthday. Thank you so much. Please come. वैसे आपको मेरा बर्थडे याद था? अपना भूल सकता हूँ पर तुम्हारा नहीं। राजीव कहाँ है? वो बस आते ही होंगे, मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ राजीव, कहाँ पर हैं आप? वो दिल्ली वाली फैक्ट्री में एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, वहीं जा रहा हूँ, घर आने में टाइम लगेगा। लेकिन आज तो मेरा बर्थडे है ना? हाँ हाँ मुझे पता है, आज तुम्हारा बर्थडे है। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके। अगर इस एक्सीडेंट की वजह से वर्कर ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। Don't worry, sweetheart. सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि आज तुम्हारी बीवी का बर्थडे है, इसीलिए एक्सीडेंट का झूठ बोलकर तुम्हें शीतल से दूर ले जा रही हूँ। ड्राइवर चलिए। कोई बात नहीं भाभी, राजीव अगर बिजी है तो मैं हूँ, हम मिलकर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चीयर्स। ठीक तो हो ना? हाँ, क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है सेलिब्रेशन के चक्कर में शायद चक्कर आ गए। इट्स ओके, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ, आप आराम कर लीजिए। ओके चलिए, आराम से आराम से। हाँ मैं हूँ। इजी 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 इजी, आराम से। हाँ हाँ? कैसा लग रहा है आपको? रुके मैं आपके लिए पानी लेकर आता। राजू प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा था। आई लव यू शीतल। I love you, Rajan. जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी, कल हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब अनजाने में ही हुआ था। शैंपेन पीने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं होश में नहीं थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सच बताओ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। शीतल आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, और तुम जिसके लिए ये हंसू बहा रही हो ना, अरे उसे तुम्हारा बर्थडे तक याद नहीं रहता, हमेशा अकेला छोड़कर भाग जाता है तुम्हें। तुम प्लीज़ मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। हाँ एक लास्ट चांस दोगी ना मुझे? हाँ दोगी ना एक लास्ट चांस? अच्छा हुआ तुम आ गए राजीव, अबे अभी आप ही के बारे में पूछ रहे थे। क्या बात है, आज सुबह सुबह दोस्ती याद आ गई? अरे वो यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। ओके कैसा रहा दिल्ली? हाँ अच्छा, हाँ यार बस थोड़ा थक गया हूँ दिख रहा है। ठीक है तुम आराम करो, हम मिलते हैं शाम। ओके मिलते हैं शाम। अच्छा राजीव वो वर्कर का क्या हुआ जिसका एक्सीडेंट हुआ था? अब तुम्हें कैसे बताऊं कि मोनिका झूठ बोलकर मुझे शहर से बाहर ले गई थी। क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, सबसे पहले तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हें अकेला छोड़ कर चला गया, प्लीज़ मुझे माफ़ करो प्लीज़। इतनी नाराज हो? वेट
मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट भी लाया हूँ। ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, लो। राजी, ये तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। तुमने अपनी गलती की माफी तो मांग ली राजीव, पर जो पाप मैंने किया है उस गलती की माफी मैं तुमसे कैसे मांगू? अच्छा सुनो, मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया, बहुत जोरों से भूख लग रही है, खाने में कुछ मिलेगा क्या? हाँ मैं बनाती हूँ, आप बैठो। थैंक यू। कौन तुम्हें बार बार फोन कर रहा है? वो कोई नहीं, मेरी दोस्त है, मैं नाश्ता बना के उससे बाद में बात कर लूंगी। हाँ ओके। हेलो राजीव, राजीव मुझे बचा लो राजीव। हेलो मोनिका, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना मोनिका? ओके मैं आता हूँ, तुम घबराओ मत, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके मोनिका, कहाँ हो तुम मोनिका? ये सब क्या है? बस एक छोटा सा प्रैंक किया तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। ये क्या मजाक है मोनिका, उस दिन तुमने वर्कर के एक्सीडेंट का झूठ बोला और आज ये सब? काम डाउन बेबी, वैसे गुस्से भी और भी ज्यादा होते रहते हो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जस्ट अ सेकंड। दिमाग तो ठीक है, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, एक रास्ता है तुम्हें हमेशा के लिए मेरा बनाने के लिए। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शीतल को नहीं छोड़ सकता, मतलब नहीं छोड़ सकता। तुम्हें उसे छोड़ना होगा, तुम सिर्फ मेरे हो समझे। राजीव क्या कर रहे हो? राजीव स्टॉप इट। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हाँ ये सच है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मैं शीतल को नहीं छोड़ सकता, मतलब नहीं छोड़ सकता। और एक बात याद रखना, आगे से अगर इस तरह की कोई भी हरकत की ना, तो तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, याद रखना। राजीव, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ राजीव, तुम बस अब देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। घबराइए मत मैडम जी, अगर आप चाहती हैं कि ये वीडियो किसी को ना पता चले तो आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी। पहली 50 लाख का इंतजाम कर लीजिए, दूसरी एक रात आपके साथ सर्विस। नंदू, क्या बदतमीजी कर रहे हो? ये मक्खन जैसे हाथ है मैडम आपके, आपके हाथों से मार खा के मजा आ गया। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, अगर आपने इंतजाम नहीं किया ना तो
तो इस वीडियो के मजे ना कौन कौन लेगा ना, आप सोच लीजिए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही? वो नंदू ने वीडियो बनाई हुई है। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर आपने इंतजाम नहीं किया ना तो इस वीडियो के मजे ना कौन कौन लेगा ना, आप सोच लीजिए। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा। वैसे आज खुशी की रात है, पूछ क्यों? क्यों भैया? मालकिन को ऐसा जाल में फंसाया है, अब तू देख 50 लाख भी मिलेंगे और मालकिन के साथ सोने का मौका। इसे कहते हैं 1 तीर से 2 निशाने। ऐसी बात से यस 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 यस। मैं एक 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 बना मैं। हाँ ठीक ठीक। क्या नंदू का खून हो गया है? पुलिस ने बताया कि नंदू कहीं बैठकर शराब पी रहा था और वहीं पर किसी ने उसका मर्डर कर दिया। ऐसा वहीं से फोन आया। हेलो, हाँ, कहीं अभय ने तो नंदू का मर्डर नहीं किया? हाँ शीतल, बोलो ना। अभय, क्या तुमने नंदू को? नंदू को मैंने ही खत्म कर दिया। उसने तुम्हारे साथ जो किया था बहुत गलत। ये क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? एक मिनट रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैदान जंग में अच्छे अच्छे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता हूँ। तो ये नंदू किस खेत की मूर्ति? अच्छा ये सब छोड़ो, अपना मूड ठीक करो, मुझे कहीं पे बाहर मिलो। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा है। एक तो तुमने नंदू का खून कर दिया है, ऊपर से तुम मुझसे बकवास कर रहे हो। इससे पहले कि राजीव को कुछ पता चले, तुम आज के बाद ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना, समझे? शीतल, हेलो हेलो, अरे फोन शीतल प्लीज फोन उठाओ। शीतल प्लीज उठाओ मेरा फोन। तुम ऐसे नहीं मानोगी शीतल। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो जो वीडियो नंदू के पास था वो मैं राजीव को दिखा दूंगा और उसे बता दूंगा कि हम लोग दोनों के बीच में संबंध था। अब सोच लो, फैसला तुम पर है, तुम्हें आना है या फिर। क्या हुआ शीतल, इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम परेशान से रहती हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस नंदू की मौत के कारण थोड़ा सा परेशान हो गया। समझ सकता। अच्छा मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे घर का थोड़ा सामान लेना है। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। ओके ठीक है, तुम चली जाना। ठीक।
अब मेरे और राजीव के बीच तुम कभी नहीं आओगी। रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन शीतल का कोई पता नहीं। पता नहीं शीतल कहाँ रह गई। हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड के पास चली गई हो। हर जगह फोन करके पूछ चुका हूँ, लेकिन शीतल का कोई पता नहीं। पता नहीं कहाँ होगी। राजीव परेशान मत हो, भाभी घर आ जाएगी। आप में से राजीव शर्मा कौन है? जी मेरा ही नाम राजीव शर्मा है, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? क्या आप इन्हें जानते हैं? ये तो शीतल है, मेरी पत्नी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब शीतल को? पास के हाईवे से हमें आपकी पत्नी की बॉडी मिली है। शायद किसी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर मौत हो गई। ये नहीं हो सकता। शीतल, शीतल, ये मिस्टर राजीव, पोस्टमार्टम के बाद हम खूनी का पता लगा लेंगे। क्या शीतल का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ था? शीतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला कि पहले शीतल को गला दबाकर मारा गया, फिर हत्या को हादसे का रूप देने के लिए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई ताकि उनकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। शीतल की रिपोर्ट आने के बाद हमने तुरंत केस की छानबीन शुरू कर दी। उनका जी आप ये बताइए, जहां पर शीतल की हत्या हुई उस समय आप वहां पर क्या कर रहे थे? आपके ऑफिस हमें पता चल चुका है कि आपके और राजीव के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए हमने आपकी कॉल डिटेल्स चेक की थी। तब हमें पता चला कि जहां पर शीतल की हत्या हुई थी उस समय आपके फोन की लोकेशन भी वहीं पर थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मानती हूं कि मैं उस वक्त वहां थी और मैं शीतल को मारना भी चाहती थी, क्योंकि वो राजीव और मेरे बीच में कांटा बन के खड़ी थी। पर फिर मैंने सोचा कि मैं इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकती। आई कांट किल समवन। इसीलिए I dropped the plan, मैं वहां से चली गई। I swear, मैं जानती हूँ कि आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, बट यही सच है। और हमारा दूसरा सस्पेक्ट आप हैं मिस्टर अभय। ये क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अभय मेरा दोस्त है और एक आर्मी ऑफिसर है, आप उस पर गलत शक कर रहे हैं। लगता है कि आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं कि अब ये आर्मी ऑफिसर नहीं है। इनकी गलत हरकतों की वजह से एक साल पहले इनका कोर्ट मार्शल करके क्या इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। और शीतल के CPR रिपोर्ट से हमें पता चल गया था पिछले कुछ दिनों से आप उन्हें बार बार फोन करते थे और हत्या से पहले भी आपने उन्हें कई बार फोन किया था। और इतना ही नहीं, जहाँ पर शीतल की हत्या हुई है उस समय आपके फोन की लोकेशन भी वही। अच्छा ये होगा मिस्टर अभय, यहीं पर सब कुछ सच बता दो वरना आगे मौका नहीं मिलेगा। बताओ सच क्या है? हाँ, मैंने ही शीतल को मारा है, शिमी हाथों से उसका गला दबाया। हाँ मैंने। क्यों मारा तूने शीतल को? क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, उसे अपना बनाना चाहता था। उस रात जब शीतल का जन्मदिन था, मैंने शैंपेन में दवाई मिलाकर उसे पिला दी और उस रात हमारे बीच में संबंध भी हुए थे। मुझे लगा उस रात के बाद शीतल हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, पर वो मेरे पास आने की जगह उल्टा मुझसे दूरियां बना रही थी। झूठ बोल रहा है तू? शीतल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शीतल ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। तू जब बाहर रंग रलिया मना रहा था ना, तो मैं शीतल का अकेलापन दूर कर रहा था। अरे उसके प्यार के लिए तो मैंने नंदू को भी खत्म कर दिया, क्योंकि वो हमारे संबंध के बारे में जान चुका था। मैं शीतल के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उस दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया, उसे समझाने के लिए बुलाया। शीतल क्या आई?
कितनी बार फोन किए, तुम फोन क्यों नहीं उठाती? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। देखो शीतल, मैंने ना सब प्लान सेट कर दिया। तुम है ना राजू को छोड़ दो, हम शादी कर लेंगे और हनीमून के लिए तुम्हारी फेवरेट जगह चलेंगे ना। और पता है ये मैंने हमारे लिए ना फ्लाइट बुक किया है, तुम फ्लाइट देखोगी? मैं तुम्हें फ्लाइट दिखा दूँ। चलो चलो। पागल हो गए हो क्या? जाकर ना अपने दिमाग का इलाज करवाओ। और मैंने कितनी बार बोला है कि मैं राजीव को नहीं छोड़ सकती, और अगर मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे? और अगर नहीं समझे ना, अच्छे से समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे पास रहना होगा। छोड़ो मेरा हाथ। मेरी पहली बीवी मुझे छोड़कर चली गई, अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो किसी और की नहीं होने दूंगा। छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ तेरी तो और जाएगी छोड़ के मुझे। मैं भी देखता हूँ कैसे छोड़ के जाती है। उसको मारने के बाद उसके ऊपर मैंने कार चढ़ा दी, ताकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। शर्माती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए? अरे दोस्ती के नाम पर कलंक है तू, कलंक। नजरों से